धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बिजली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आर.के. सदन में एक बिजली सम्मेलन के अवसर पर उत्तरी एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चेयरमैन आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा कि राज्य सरकार 1 जनवरी को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का तोहफा देने जा रही है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र जिले को भी 24 घंटे बिजली देने की योजना पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हजारों लोगों की मांग को देखते हुए जुर्माना माफी योजना तथा खराब और छेड़छाड़ किए गए मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा योजना को अमलीजामा पहनाने का काम किया। इस योजना को लोग 31 दिसंबर तक फायदा उठा सकते हैं। ये आज का सम्मेलन था सरपंचेज का, म्यूनसिपल काउंसलर्स और सभी जो जिला कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांवों से आए हुए जो मौजूद आदमी हैं, उसके अंदर जो हमारी जो राज्य सरकार की जो बड़ी दो योजनाएं हैं, बकाया बिलों को ब्याज माफ़ी योजना और हमारी जो स्वैच्छिक घोषणा योजना, उसके बारे में चर्चा की गई। और ये एक इस पे रणनीति बनाने की बात की गई कि कैसे पूरे कुरुक्षेत्र ज़िले को हम 24 घंटे बिजली की सप्लाई हर प्रत्येक गांव को किस तरीके से कर सकते हैं। तो उस पे बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत सारे जो हमारे युवा सरपंच हैं, उन्होंने आगे बढ़ कर के ये आश्वासन दिया है कि अपने गांवों में जितने भी मीटर बाहर निकालने का काम है, तारें बदलवाने के काम है, उसमें पूरा सहयोग करेंगे और अपने फीडर को, अपने गांवों को, आसपास के जो देहात का इलाका है उसको 24 घंटे बिजली जगमग स्कीम के तहत दी जा सके, इसमें वो आगे बढ़कर पहल करेंगे। धन्यवाद।